प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ में बना रहे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, फिर एक बार हमारे सबके मिलने के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर की महिमा हो। और फिर से एक बार हम एक विशेष अध्ययन को हम अपने सामने रखते हैं और उस पर मनन करके हम कुछ बातों को यहाँ से सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, आज एक विशेष अंग के विषय में हम लोग आज सीखने वाले हैं। एक विशेष अंग जो मानव शरीर में है वो किसी के वश में आने वाली चीज़ नहीं है। वो एक ऐसा बुरी बला है मनुष्य के शरीर में कि वो अंग सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसके विषय में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, वो अंग ऐसा है उसके द्वारा हमारे लिए बुराई भी उत्पन्न होती है और भलाई भी, और कभी कभी उसके द्वारा हमें अच्छी बातें भी निकल कर आती है और फिर बहुत बड़ा समस्याओं और बहुत बड़ी संकटों से भी हमको गुजरना पड़ता है। वो अंग हमारे शरीर में एक विशेष अंग है जिसको हम अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में उसको बहुत कम ही हम रख सकते हैं। ऐसा एक ऐसा विशेष अंग है जिसके विषय में बाइबल धर्मशास्त्र कहती है और बाइबल धर्मशास्त्र में बहुत से बातें उसके विषय में कही गई है। तो उसमें से कुछ बातें हम लोग आज ज़रूर सीखेंगे। हो सकता है ये कई लोगों के लिए ये आशीष का कारण रहे और फायदेमंद भी रहे। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोग याकूब की पत्री उसका तीसरा अध्याय और उसका आठवां पद को, पांचवा पद को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर उस अंग के विषय में लिखा है जो हमारे शरीर में है और वो एक विशेष अंग है, उसके विषय में हमें जानना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। और विश्वास के जीवन में वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा यानी जीवन का स्रोत भी है और फिर वहीं पर हमारे लिए समस्या का भी अंग है वो। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग पढ़ते हैं पांचवा वचन, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डिंगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आमीन, हालेलुया। सुना आपने मेरे प्रियो, जीभ जो हमारे शरीर में, हमारे मुंह में जो जीभ है, आज उसके विषय में मैं आपको थोड़े से बात मैं आपको बताऊंगा। आमीन, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, इस जीभ के द्वारा बहुत कुछ हो जाता है। ये जीभ ऐसी अंग है हमारे शरीर में जिसको याकूब ने कहा ये बड़ी भला है, लेकिन वहीं पर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदेमंद भी है जिससे हम कई ऐसे बातें भी हम लोग कर सकते हैं जिससे हमें हमारे जीवन में बहुत सारे आशीषों का मूल स्रोत बन जाता है। लेकिन वहीं पर उसके द्वारा जैसे लिखा है कि एक बहुत बड़े वन में आग लग जाती है करके याकूब की पत्री कह रही है। आमीन, हालेलुया। आग लग जाती है मतलब ये जीभ एक छोटा सा अंग है हमारे मुंह में, जुबान जो है वो बड़े बड़े कामों को भी करती है और हमारे लिए कई बार मुसीबत का कारण भी बनता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए याकूब की पत्री में लिखा गया है कि वो बड़ी डिंगे मारती है और देखो एक बड़े
वन में भी यानी वो आग लगा देती है। मेरे प्रियो, इसका तात्पर्य यह है, मनुष्य के अंगों में से ये एक विशेष अंग है जो मनुष्य के अंदर में है। मेरे प्रियो, उसका इस्तेमाल और उसका बागडोर वो बड़ा समस्या का कारण है, जिसके विषय में याकूब ने बहुत अच्छा लिखा। हम लोग इसी किताब के तीसरे अध्याय के तीसरे पद में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए ये कितना यानि वश में रहने की वस्तु नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो हमारे अंगों में है। यहाँ लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। आमीन। एक घोड़े को भी हम उसके मुंह में लगाम डालकर हम उसको रोक सकते हैं। आमीन। एक पहला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर याकूब दे रहा है, देखो चौथा पद, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसा बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हमारे ज़ुबान के बारे में दो अच्छे और बहुत ही सच्चे उदाहरण याकूब ने लिखा है। मेरे प्रियो, पहली उदाहरण तो हमने देखा है कि अगर घोड़ा बलवान है, ताकतवर है, लेकिन फिर भी हम उसको एक लगाम के द्वारा हम उसको पूरा वश में कर सकते हैं। ये छोटा सा उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण दिया, एक बड़ा सा जहाज जो प्रचंड वायु में भी और प्रचंड पानी के हिलाते हुए और तूफान में भी हम उस जहाज को या नाव को एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी उसको अपने इच्छा के अनुसार मोड़ सकता है। आमीन, हालेलुया। ये दो उदाहरण आप याद रखिए, हालेलुया, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र जो है ज़ुबान के विषय में बहुत बातें हैं, लेकिन मैं बहुत थोड़े बातें यहाँ से आपको समझा रहा हूँ। मेरे प्रियो, उदाहरण ये है कि इतने बड़े बलवान चीज़ें भी हम वश में कर सकते हैं, लेकिन ज़ुबान के विषय में जब हम यहाँ आते हैं तो याकूब कहता है कि वो हमारे शरीर में बहुत छोटा सा अंग है, बहुत छोटा सा, लेकिन वो बड़े वन में भी आग लगा देती है। ये तीसरा उदाहरण। आमीन, हालेलुया। अब हम लोग आगे छठा पद को पढ़ते हैं, जीभ भी एक अंग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और बवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आमीन, हालेलुया। बहुत आराम से और बहुत ही सुकून से हमें इन बातों को समझना होगा। आमीन, मेरे प्रियो, हमारे ज़ुबान जो है उसका पावर, उसका ताकत और उसका काम याकूब बड़े बारीकाई से समझा रहा है कलीसिया को, विश्वासी भाई और बहनों को, आपको मुझको। वो ज़ुबान के विषय में बहुत ही बारीकाई से इन बातों को समझा रहा है, उदाहरण दे दे के। देखा मेरे प्रियो, आपके बाइबिल में आप पढ़िए ज़ुबान कैसे बड़े कामों को करती है और कैसे ऐसे काम वो करती है जिसके विषय में उसका गंभीर परिणाम जो है
हम देखते हैं संसार में, इस दुनिया में, हमारे जीवन में, हमारे इर्द गिर्द जो है, हम ज़ुबान के विषय के जो काम है, हम लोग बड़े अनुभव से अपने जीवन में भी हम लोग देखते हैं मेरे पियो। यहाँ बहुत विचित्र बातें लिखे हैं, आमीन हालेलुया। यहाँ याकूब कहता है कि वो ऐसा अधर्म का लोक है, वो एक अलग प्रकार का दुनिया है, हमारे अधर्म का एक लोक है करके कह रहा है, और सारी देह पर कलंक लगाती है। हालेलुया मेरे पियो, हम सबको अच्छा अनुभव है हमारे ज़ुबान के विषय में। हम ज़ुबान के द्वारा ही बहुत कुछ करते हैं। आज ज़ुबान के द्वारा ही हमारी बहुत सारे जो देह पर कलंक लगती है मेरे पियो, ये अच्छे उदाहरण याकूब ने दिए हैं ज़ुबान के विषय में। आज हमें अपने विषय में इन बातों को नाप तौल कर देखना है कि ज़ुबान आज हमारे द्वारा कैसा काम कर रहा है, इस पर कैसा लगाम लगाए। इसके द्वारा हम कई खतरे मोल लेते हैं, कई ऐसी बुराइयां मोल लेते हैं कि हमारे जीवन को बर्बाद या नाश करने तक भी हमको ये पहुंचा देती है। आमीन हालेलुया। तो और हम लोग आगे देखते हैं कि वन के पशु जिनको विवेक नहीं होते वो भी हमारे वश में होते हैं, लेकिन ज़ुबान हमारे वश में नहीं होता। आमीन हालेलुया। सातवां पद कहता है, क्योंकि हर प्रकार का वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो जाते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। आमीन हालेलुया। सुन रहे मेरे प्रियो, जीव के विषय में और जीव के कामों के विषय में और ज़ुबान का वो पावरफुल काम यहाँ पर याकूब ने बहुत ही बखूबी से इन बातों को लिखा है मेरे प्रियो। इन पर हमें ध्यान देना है, कहीं ये भी बातें हमारे जीवन में या हमारे इर्द गिर्द हो रहे हो तो हमें इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आज हम पर और हमारे ज़ुबान पर, हमारे जीभ पर हमारा कंट्रोल कैसा रहे, आज इस विषय से हम लोग अच्छी तरह से सीख लेंगे मेरे पियो। आमीन हालेलुया। वन के पशु भी हमारे वश में हो जाएंगे और हो भी रहे हैं ऐसा कह रहा है, परंतु जीव के विषय में वो कहता है आठवां पद, पर जीव को मनुष्यों में से कोई भी वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी भला है जो कभी रुकती नहीं, वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। आमीन हालेलुया। मेरे पियो, आज हम लोग ज़ुबान के विषय में सीख रहे हैं, हमारे शरीर में, हमारे अंगों में, वो एक ऐसा छोटा सा अंग है लेकिन उसके काम कितने पावरफुल है, कितने खतरनाक काम है, उसके विषय में याकूब ने लिखा है मेरे पियो। लिखा है कि वो विष, यानी विष से भरी हुई है। यहाँ लिखा है जीव को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता, वो एक ऐसी भला है जो कभी रुकती नहीं, वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। आमीन हालेलुया। प्राणनाशक विष से भरी हुई है मेरे पियो। आज आपके सामने ये बातें मैं इसलिए रख रहा हूँ कि आज जो कोई मनुष्य, जो कोई अपने आप को भक्त कहता है, अपने आप को मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ और प्रभु का अनुकरण करता हूँ, परमेश्वर के वचन पर चलता हूँ, अगर ऐसा कोई कहता है तो इन बातों पर ध्यान दे मेरे पियो। ये बातें कितने कितने विषीले लग रहे हैं, कितने अजीब सा लग रहे हैं, ये बातें हम लोग ध्यान में नहीं लाते, लेकिन आज
ज़ुबान के विषय में ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है, इस विषय में हम लोग परमेश्वर के वचन में से जो कुछ बातें हमने अपने सामने लेकर आए हैं उस पर हमें ध्यान देकर हमें इन बातों का अनुभव अपने जीवन में रखना चाहिए और उस पर अपना वश और अपना कंट्रोल यदि हम रखते हैं तो हम सबसे अव्वल और अच्छे विश्वासी और अच्छे एक पावरफुल विश्वासी हम कहलाए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि अगर कोई अपनी ज़ुबान पर अगर कंट्रोल रखे तो वो सच्चा भक्त और सच्चा एक परमेश्वर का जन होगा। मेरे प्रियो, आज यही बातें जो है हमें पाप में गिरा देती है, हमें बहुत सारे संकटों और मुसीबतों का कहर बना देता है। मेरे प्रियो, इसी ज़ुबान के द्वारा कई रिश्ते खराब हो जाते हैं, इसी ज़ुबान के द्वारा हम कई लोगों को दुखित भी करते हैं, इसी ज़ुबान के द्वारा हम कई लोगों को घायल भी करते हैं, इसी ज़ुबान के द्वारा हम कई लोगों की हत्या, मतलब बिना खून निकाले हम मनुष्यों में से मनुष्य ही एक दूसरे का हत्या के बराबर, यहाँ लिखा है प्राण नाश विष से भरी हुई है। आमीन, हालेलुया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे प्रियो, हम भक्त होकर, हम अगर एक अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति होकर भी हम इन बातों पर हम अपना वश और उसका कंट्रोलिंग और उसके ऊपर में अपना जो आधिपत्य जो है हम उसको चला नहीं पाते, तो आज हम इस सीख से एक पाठ जरूर हम लेंगे कि हम इसको वश में रखने की एक ऐसा पावरफुल, एक ऐसा कंट्रोलिंग पावर हमारे जीवन में और हमारे परिवर्तन में या हमारे हाव भाव में, हमारे जो बातचीत में, हमें इस पर ज़रूर अपना ध्यान देकर इसको हमें वश में लाने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए मेरे प्रियो। तब हम एक सच्चे भक्त और एक परमेश्वर के अनुयायी कहलाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसके विषय में बहुत बातें हैं लेकिन बहुत थोड़ी सी बातें हम यहाँ से सीख रहे हैं मेरे प्रियो। मैं आपको और एक बात बताऊं कि सचमुच ही कई बार हम जब दूसरों से वार्तालाप करते हैं तो हमारे बातों में कोमलता, नम्रता, हमारी ज़ुबान बहुत बार बहुत कुछ कह जाती है और कर जाती है जिससे मानो जंगल में आग सी लग जाती है और बहुत से समस्याओं का कारण बन जाता है। आज ज़ुबान के विषय में मैं कुछ बातें आपके सामने मैंने रखा है, लेकिन अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि राजा सुलेमान ने एक सुंदर उदाहरण दिया है, नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसका 1 पद। मेरे प्रियो, यदि ये बात हमारे अंदर में रहे तो हम सारा संसार को हम लोग जीत सकते हैं। बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखी है, देखिए यहाँ पर लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से जल जलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध ददक उठता है। आमीन, हालेलुया। आप मेरे प्रियो, ये सब सुनने के बाद आप ज़ुबान पर, मुंह पर यदि हम अपना वश और अपना कंट्रोल अगर रखते हैं तो निश्चय ही ये बात दिखाई देती है जो राजा सुलेमान ने लिखा। मेरे प्रियो, कोमल उत्तर, हम दूसरों से जब बातें करते हैं या कुछ होता है तब अगर हमारे द्वारा कोमल उत्तर सुनने से जल जलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध ददक उठता है। अगर हमारे ज़ुबान में अगर ये दो बातें रहे तो निश्चय ही हम सारी जग और सारी दुनिया पर हम लोग जय को प्राप्त करेंगे।
आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे शरीर में जो सबसे छोटा सा छोटा अंग जो है, वही हमारे जीवन के लिए बहुत सारे समस्याओं का कारण बनता है। लेकिन वहीं पर हम अपने आप को वश में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं और अपनी ज़ुबान पर हम लगाम रखते हैं, तो निश्चय ही जैसे राजा सुलेमान ने लिखा, ये बात हमारे जीवन से पूरी होती है, तो हम बहुत सारे बड़े बड़े लड़ाइयों को हम लोग ऐसे ही जीत सकते हैं। यहाँ साफ लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से जल जलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। मैं अंत में ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा अंतिम आखिरी निचोड़ ये है कि अगर हम अपने ज़ुबान पर कंट्रोल रखते हैं, तो अगर ऐसे बात को इस्तेमाल करते हैं, तो हम बहुत बड़ा जंग जीतने वाले हम लोग साबित हो जाएंगे। आज जंग मेरे प्रियो हमारे शरीर के अंदर में ही है, हमारे अंगों में ही है, हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज मैं कहता हूँ ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक से आज हम लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर हम लोगों ने सीखा है और समझा है, हमें किस बात पर अपने आप को काबू में रखना है, ये बात आज हमारे समझ में ज़रूर आया होगा। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये बातों में हम अव्वल रहे और इस बात पर हम लोग अपने आप को सचमुची वश में रखें, तो निश्चय ही मैं कहता हूँ हम बहुत से खतरों से और बहुत बातों से हम बचे रहेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमेन। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स।